कोविड-19 के संकट का समय राजनीति का दौर नहीं था। हालांकि सरकार की खामियां उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन संकट काल में विपक्ष राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करता रहा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मशाला के पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने कहा कि पहले एक पत्र पूर्व सीएम का आया, फिर एक पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की ओर से आया। कांग्रेस का आलम ये है कि नए बने विधायक भी अनुभव की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें अनुभव विरासत में मिला हो। सीएम ने कहा कि हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में जहां विपक्ष द्वारा सरकार की खामियां निकाली जा रही हैं, वहीं कांग्रेस समर्थित राज्यों के लोग हमारे अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से कोविड-19 की स्थिति से निपट रहे हैं। विपक्ष के लोगों को पंजाब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहिए कि वहां परिस्थितियां क्या हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक मकसद से मामले उठा रहा है, कुछ लोगों को इस समय भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में जो घटित हुआ उसको लेकर जो भी कार्रवाई है वो की गई, इसमें भी विपक्ष राजनीति करता रहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने सोचा कि क्यों ना सीएम से ही इस्तीफा मांगा जाए। सीएम ने कहा कि भाजपा नैतिकता वाली पार्टी है, उसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। सीएम ने कहा कि बौखलाया विपक्ष अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये विपक्ष भी जानता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के चलते सरकार हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से 5000 बेड की व्यवस्था प्रदेश भर में कोविड-19 से लड़ने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आश्वस्त है कि यदि परिस्थिति बदलती भी है तो हम सभी तैयार हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल बयानबाजी से कांगड़ा के सियासत में आए सियासी भूचाल पर सीएम ने कहा कि पार्टी की बात पार्टी में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए थी। सीएम ने कहा कि नेता द्वारा बाहर बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार व संगठन मिलकर काम करते हैं, पार्टी की बात पार्टी स्तर पर ही रखी जाती तो बेहतर होगा। गौरतलब है कि ज्वालामुखी के विधायक एवं वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने शिमला में मीडिया से बातचीत में संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मशाला के पत्रकारों से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जिला कांगड़ा के विधायक दल की बैठक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसे कि दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने ये भी कोरोना संकट के समय इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। सीएम ने ये भी कहा कि जितना इस मामले को तूल दिया जा रहा है, ये मामला उतना बड़ा भी नहीं है। संगठन व पार्टी में ऐसी बातें होती रहती हैं, दोनों से ही बात की जाएगी तथा जो असमंजस है उसे दूर किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार व संगठन की हर बात में कोऑर्डिनेशन होती है। एक शुरुआत जो जनता कर्फ्यू के रूप में हुई थी, उसे एक आभास लग गया था कि आने वाले समय में इस वायरस की वजह से भारत को भी बहुत गंभीर संकट के दौर में से गुजरना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश को भी, हमको लग रहा था। और स्वाभाविक रूप से वो परिस्थिति हम सबके सामने आई भी। ऐसे में चाहे वो फेज 1 लॉकडाउन का रहा, चाहे लॉकडाउन 2 रहा, लॉकडाउन 3 रहा, लॉकडाउन 4 रहा, पूरे देश की जनता ने और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का, उनके आग्रह का संभवतः पूरी तरह से सहयोग और समर्थन दिया है। उसके लिए भी मैं जहां प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, वहां मीडिया जगत से जुड़े आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं विपक्ष के लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जरा पूछिए पंजाब के मुख्यमंत्री की परिस्थिति क्या है, जो उनके उनके जो सबसे बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री पूरे देश भर में राजस्थान में, उनसे पूछिए अशोक गहलोत की परिस्थिति क्या है। हमसे भी बातें होती हैं उन लोगों की, कामकाज के सिलसिले में बातें होती है, एक दूसरे प्रदेशों में क्या परिस्थितियां चल रही है, क्या हालात चल रहे हैं, उन बातों को लेकर के वो लोग हमसे, हमने जो काम किया है उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट की है, आप लोगों ने बेहतर ढंग से चीजों को रोकने में कामयाबी हासिल की है और उसमें आप लोगों ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। हमारे अधिकारियों से ये प्रदेश के लोग जो है, दूसरे प्रदेशों के लोग जो कांग्रेस शासित हैं, वो जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं। मैं उनके, हमने कभी प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश नहीं, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अनावश्यक रूप से
कुछ बातों को पिछले कुछ अरसे से उठाने की कोशिशें हो रही हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद से। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारे समाज में हर जगह ऐसे आदमी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं जो ऐसे संकट के दौर में भी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों के साथ पार्टी में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती है, कुछ किसी बात को लेकर के आगे पीछे बात होती है, लेकिन इन सारी बातों का समाधान करेंगे, हम दोनों से बात करेंगे। संगठन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी ऊपर केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी जो लोग हैं उन सब से बातचीत करके इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये बातें जो है वो आप तक पहुंचना, आप लोगों तक पहुंचना ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे को पार्टी की बातें पार्टी के अंदर होती हैं, सरकार के अंदर बातें होती हैं, ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब हम खुली चर्चा करते हैं, जहां कमी रह गई इसको ठीक करो, वहां कमी रह गई सरकार में संगठन में उसको ठीक करो, तो उस बातों को लेकर के बाहर आने का विषय नहीं था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए हम सरकार संगठन दोनों मिलकर के काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार के दबाव में न संगठन है न सरकार है, सब तालमेल से हम काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।